नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। राजनीति में कौन कब किसके समर्थन में उतर आए और किसके विरोध में कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां पहले सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर विपक्षी पार्टियों को एक साथ चुनाव लड़ बीजेपी को हराने की बात कर रहे थे, वहीं राजभर ने हाल ही में समाजवादी पार्टी बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी पर कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दिए। क्या है ओम प्रकाश राजभर के बयान, देखिए इस रिपोर्ट में। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पार्टी के संगठन की समीक्षा बैठक के लिए अंबेडकर नगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इस दौरान वो बीजेपी पर कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दिए। ओम प्रकाश राजभर ने कुशीनगर में उनके बेटे अरविंद राजभर पर हुए हमले के लिए सपा नेता और वहां के स्थानीय इंस्पेक्टर को जिम्मेदार ठहराया। ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर मुसलमानों को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में 4 बार उनकी सरकार मुसलमानों के वोटों के सहारे बनी, लेकिन नौकरियों में उनकी संख्या घटती चली गई। इस दौरान उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक हो जाने की सलाह दे डाली। ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुशीनगर पडरोना में उनके बेटे अरविंद राजभर पर हुए हमले के लिए वहां के इंस्पेक्टर दोषी हैं। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इंस्पेक्टर ने हत्या के मुख्य आरोपी का नाम निकाल दिया। कुशीनगर सपा नेताओं पर ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा के गुंडे को बचाने के लिए सभी सपाई एक हो गए हैं। सपा की सरकार गुंडों की सरकार के नाम से जानी जाती है। वहीं आगे जातिगत जनगणना पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की घोषणा करते हुए बजट भी अलॉट कर दिया। राजभर ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारों को ये सुधी क्यों नहीं आई, अब ये सवाल किससे पूछा जाए। उन्होंने कहा कि यदि ये कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर दलित और पिछड़ों का हिस्सा लूटा, तो दलित हितेशी मायावती और पिछड़ों के हितेशी अखिलेश यादव दोनों एक क्यों नहीं हो जाते। वहीं हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ओपी राजभर ने कहा कि 2013 में हाई कोर्ट ने 27% आरक्षण को सभी पिछड़ी जातियों में बांटने और एक समान शिक्षा लागू करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। आज दलितों और पिछड़ों के हितेशी बनने वाले अखिलेश यादव ने इसे क्यों नहीं लागू कर दिया। उन्होंने कहा सपा ने मुसलमानों के साथ भी ठगी किया है और 4 बार मुसलमानों का वोट लेकर सरकार बनाई, लेकिन डिप्टी सीएम किसी मुसलमान को बनाने के बारे में नहीं सोचा। ओपी राजभर ने आगे कहा कि आज़ादी के समय नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 38% थी। कांग्रेस, बीएसपी और सपा ने इतना विकास किया कि ये अब 1% आ गई है। वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी किसी के साथ नहीं जा रहा हूँ, इसके लिए एक डेट घोषित कर दी गई है। 7 अक्टूबर को पटना में वंचित शोषित जन जागरण रैली के बाद तय किया जाएगा कि किसके साथ जाना है। तो देखा आपने किस तरह राजभर ने सपा बसपा और कांग्रेस को एक साथ आने की नसीहत दी है। साथ ही राजभर ने सपा पर अपने बेटे पर हुए हमले का आरोप लगाते हुए साफ साफ कहा है कि सपा की सरकार गुंडों की सरकार रही है। वहीं बीजेपी के साथ जाने के भी संकेत दिए हैं। अब देखना यह है कि राजभर किसका हाथ थामते हैं और किसका नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।